बजरंग बली के शरण में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव के बीच भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेते नजर आए। लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण में यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली से प्रत्याशी राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और यहां पिपलेश्वर हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल ने लोगों के साथ मुलाकात की और फोटो भी क्लिक करवाई। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी का बीजेपी नेता और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से सीधा मुकाबला है। राहुल गांधी ऐसे वक्त में रायबरेली पहुंचे हैं जब कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि कई बूथों पर मतदान के दौरान गड़बड़ियां हुई। राहुल गांधी इन मतदान केंद्रों का भ्रमण भी करेंगे। हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में शुमार रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला तगड़ा है। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद कांग्रेस से राहुल गांधी ने 3 मई को रायबरेली और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा ने कांग्रेस की तरफ से पर्चा भरा था। वोटिंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी के एल शर्मा भी जनता के साथ का दावा कर रहे हैं। नहीं देखो, जहां तक है कि क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीजें बदल जाती है, क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जनता ठीक है 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या पांचवे ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है। ठीक है, तो अब वही चीज है, हम लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, अपने काम जो हमने पीछे किए हैं वो, और इनके जो इन्होंने हमारे काम रोके हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। हम मुद्दे बता रहे हैं कि महंगाई की बात करो आप, बेरोजगारी की बात करो, छुट्टा सांड की बात करो, उसके बाद फिर आप उसके बाद आ जाओ यहाँ की सड़कों के ऊपर आ जाओ, तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे जो लोकल हैं इनके ऊपर है। सबसे ज्यादा यहाँ बिजली के बिल जो लोगों को इतने इतने आ रहे हैं, हर गांव में मतलब इस बिल को लेके एक समस्या है, तो यही सारी समस्या है जिसके ऊपर लेके इलेक्शन लड़ा हमने। कोई हमने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, आक्षेप नहीं किया, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है, तो बस इतना ही है। हाँ, पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन लड़ा और पॉजिटिव तरीके से रहेंगे भी आगे। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता का जो है विकास रुका है, जनता की डिमांड है कि उसको शुरू किया जाए। फिर आदरणीय राहुल जी उस दिन बोल के भी गए, जो चीज रायबरेली में होगी वो अमेठी में भी होगी, तो मेरे को बड़ा बल मिला उनसे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। इन 14 सीटों में रायबरेली, अमेठी, राजधानी लखनऊ और अयोध्या यानी फैजाबाद जैसी वीआईपी सीटें शामिल हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।